नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। दोस्तों, राजस्थान में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। जिस रफ्तार से कोरोना बढ़ रहा है, उसके बाद आम व्यक्तियों को सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो सचेत हो, जागरूक हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो जिस रफ्तार से कोरोना बढ़ रहा है, उससे मौतों का आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। राजस्थान की बात करें तो अगर जयपुर की बात करें, खाली राजधानी जयपुर की, तो 600 से ऊपर आंकड़ा जा चुका है प्रतिदिन कोरोना के जो पॉजिटिव आ रहे हैं उसके। और वहीं अगर राजस्थान पूरे प्रदेश की बात करें तो हर दिन 3000 से ज्यादा का आंकड़ा क्रॉस हो रहा है। ऐसे में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि प्रदेश की स्थिति कोरोना के मामले में अब बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वहीं सरकार की ओर से कोशिश की जा रही है, कर्फ्यू लगा दिया गया है, नाइट कर्फ्यू लगाया गया है जिसमें रात को कर्फ्यू रहेगा। वहीं उसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के लिए सतर्कता बरती जा रही है, सख्त किया गया है कानून को और सख्ती से लोगों से पालना करवाई जा रही है। लेकिन इसके बावजूद भी नियमों की अवहेलना हो रही है और यही कारण है कि कोरोना की रफ्तार तेज होती जा रही है। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा भी आज कोरोना की चपेट में आ चुके हैं और उन्हें RUHS में भर्ती करवाया गया है। स्थिति साफ है, आम हो या खास, कोई भी इससे नहीं बच रहा है। इसलिए जरूरी है कि आप और हम जागरूक हो, आप और हम मास्क को समझे कि मास्क लगाना कितना जरूरी है और मास्क सिर्फ और सिर्फ कानून से बचने के लिए या फिर पैसे कुछ जो होते हैं उन्हें देने से बचने के लिए ना लगाया जाए। मास्क लगाया जाए कोरोना से बचाव के लिए, मास्क लगाया जाए अपनों की सुरक्षा के लिए। इसी के साथ जरूरी है 2 गज की दूरी। और साथ में आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर लोगों से अपील भी की है, क्योंकि जिस तरह शादी विवाह का समय चल रहा है, क्योंकि इस दौरान काफ़ी सावे हैं और उनमें शादी विवाह समारोह होने हैं। हालांकि उसके लिए एक निर्धारित संख्या दी गई है कि 100 से ज़्यादा लोग नहीं शामिल हों, लेकिन उसके बाद भी लोगों को ज़रूरी है कि जागरूक रहें और इस बात का ध्यान रखें कि ज़्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो। और इसी के साथ बाजारों में भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है, बाजारों में संख्या बहुत ज़्यादा हो रही है, लोगों की एक साथ इकट्ठे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि बाजारों में भी कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में ज़रूरी है कि उसका भी ध्यान रखा जाए। अगर आप बाजार जा रहे हैं, शादी ब्याह की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी शादी समारोह या अन्य समारोह में जा रहे हैं, तो ध्यान रखें कि जो कोरोना के नियम हैं, इससे बचाव के नियम हैं, उनको पालन करें, मास्क ज़रूर लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें और ऐसा जो नहीं करता है उसे भी समझाएं, जिससे कि लोगों में जागरूकता बढ़े, क्योंकि इसका एकमात्र उपाय सिर्फ यही है। अभी तक इसकी किसी तरह की कोई दवाई नहीं बनी है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज अपील की है। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि राजस्थान के अधिकांश विधायक सांसद कोरोना से पीड़ित हो चुके हैं, तो इसलिए जरूरी है कि आम व्यक्ति इस ओर ध्यान दें, आप और हम ध्यान दें। अगर आपके आसपास भी कोई सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं कर रहा है, कोई मास्क नहीं लगा रहा है, 2 गज की दूरी नहीं फॉलो कर रहा है, तो ऐसे में जरूरी है कि हम उसे कहें और उसको मनवाएं ये बात कि वो अपना और दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखें, क्योंकि इससे सिर्फ एक व्यक्ति पीड़ित नहीं होता, एक व्यक्ति से कई लोग परेशान होते हैं, कई लोग पीड़ित होते हैं और इस कोरोना जैसी महामारी के चंगुल में चले जाते हैं। तो इसलिए आम व्यक्तियों के लिए जरूरी है, अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं या फिर आप क्या सोचते हैं कि राजस्थान में जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं वो व्यापक हैं या नहीं, या फिर राजस्थान में बढ़ते कोरोना के लिए जिम्मेदार कौन है, वो भी आप हमें बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए और बताइए किस तरह से राजस्थान वासियों को कोरोना से सुरक्षित रखा जा सकता है या किस तरह से आम व्यक्ति इसमें अपना जो एक अहम रोल निभा सकता है कोरोना के नियंत्रण में। इस तरह की खबरों के लिए द एंगल जरूर देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स जरूर दीजिए। नमस्कार।